जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है प्रश्न पूरा। यस यस मैम। सर। तो आप ना इसमें क्या ये वाली साइड लेके चलेंगे, आप इसे सॉल्व करोगे ठीक है, क्योंकि आप इस वाले से ये तो बना नहीं सकते बट हाँ इससे ये जरूर बना सकते हो ठीक है। तो क्या दिया है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप अंदर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे भी ए माइनस बी के होल का स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जगह खुलेगा ना। ए माइनस बी के होल का स्क्वायर के फॉर्म में तो है, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दिख रहा है सभी को। यस मैम। बस ये लगाना है आपने वहां पे, और जैसे आप ये लगा लोगे लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2xy, इसमें भी ये लगा दो, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का 2yz, लास्ट में भी ये लगा दो, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2xz। क्लियर हो गया, यस मैम। आगे क्या करना है, ये वाला नंबर ऐसे के ऐसे टर्म ऐसे ही उतार लो, जो चीज प्लस हो रही कर लो, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ोगे 2x² हो जाएगा। सेम वही वाई स्क्वायर के लिए करना है, दो बार वाई स्क्वायर है तो 2y² हो गया, सेम वही जेड स्क्वायर दो बार है तो 2z² हो गया। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, यस इतने मैम। क्वेश्चन पूछे ठीक है। आगे जो चीज बची हुई उसे लिख दो, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का टू मैम यस बता दो इसको सर उसे। देखो इस वाले में इस वाली साइड को लेके चल रही हूं, जो आपका दाई तरफ दे रखा है, यहाँ पे ये सूत्र बन रहा है x माइनस वाई का होल का स्क्वायर है, तो साफ दिख रहा है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इधर भी लगा दो, a है यहाँ पे x तो x का स्क्वायर, b है यहाँ पे y तो y का स्क्वायर माइनस का 2xy, तो तीनों जगह मैंने यही लगाया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर, यस बस फॉर्मूला खोलने के बाद जो चीज जुड़ रही थी मैंने ऐड कर दी, जैसे एक्स स्क्वायर दो बार थे तो 2x² हो गया, वाई स्क्वायर भी जेड स्क्वायर भी। अब यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे तो टू टू हर जगह है, तो टू कॉमन ले लें, इधर भी टू है यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, हर जगह टू है, टू बाहर निकाल लो, टू बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। इतना समझ में आया, हाँ मैंने आपसे बोला था कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो आपके सिलेबस से हट गया, एक बार सिलेबस देखना जरा ओके मैम। ठीक है, इतना सभी को मैम समझ में सिलेबस आया में तो होगा। सिर्फ चैप्टर है ना, ये नहीं देर कि ये एक्सरसाइज आएगी, ये एक्सरसाइज आएगी। हाँ जो आपका सिलेबस होता है ना उसमें लिखा है कि ये वाली एक्सरसाइज हटा दी, जैसे 7वां चैप्टर है उसमें से भी एक्सरसाइज हटा दी, एक परिमेय भी हटाया गया है, तो वो आपको देखना है कोई भी चीज करने से पहले कि कौन सी प्रश्न हटा दिए गए हैं, उसमें से एग्जाम में भी नहीं आएगा ठीक है। ओके मैम। चलो यहाँ दो से दो कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड एक्स, सॉरी एक्स जेड या जेड एक्स एक बार है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो कोई सूत्र बन रहा है या आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी वाली, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz ही खुलता है तो ये बनता है, सब अपनी बुक में देखो ये दिख रहा होगा, ये वाला सूत्र, ये तो ओपन होता है जैसे हम ओपन करते एक्सपेंड करते हैं, दिख रहा है सभी को, यस मैम। बस हमारा आ गया ना दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों बराबर आ गए, और यही हमें प्रूव करना था।
मैम। गुड, ठीक है। चलो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिरन्स का सूत्र, चैप्टर नंबर 12 जो है, हिरन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हिरन्स का जो सूत्र है वो मुझे बताओ, हिरन्स का सूत्र किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई करते हैं ना, तो फिर मुझे हिरन्स फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, पता है किसी को? जब मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला था तो मुझे हिरन्स फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे आप यहाँ देखोगे सूत्र में, यहाँ मैम ऊंचाई, क्योंकि इसमें सिर्फ 90 डिग्री का निकल सकता है। मैम मतलब 90 डिग्री का मतलब जिसमें ऊंचाई दी गई हो, जिस भी त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो वहीं पे आपका ये वाला सूत्र लग सकता है। और मान लो किसी त्रिभुज की ऊंचाई ना दी गई हो तो वहां पे आप सूत्र क्या लगाओगे? इसलिए हमारा हिरन्स का फॉर्मूला आया ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे मान लो एबीसी एक त्रिभुज है, ये भुजा है ए, ये है बी, ये है सी, यहाँ पे आपको ऊंचाई नहीं दी गई है, तो आप कैसे निकालोगे? बेस की जगह तो आप रख दोगे मान, ऊंचाई की जगह क्या लिखोगे? इसलिए हम हिरन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हिरन फॉर्मूले में सबसे पहले हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर, मतलब परिमाप का आधा। कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं को अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो अर्ध परिमाप ही निकलेगा ना, परिमाप का आधा, यस मैम। अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं हिरन्स का, जो कि कहलाता है एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे ए बी और सी हमारे त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और एस हमारा सेमी परिमाप होता है। सभी को समझ में आ गया? कोई भी आपसे पूछे कि अलग सूत्र क्यों लगा रहे हैं तो पता होना चाहिए सभी को। मैम एक बार फिर से बताना। देखो एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, और यही हमें सूत्र में चाहिए होता है। तो अर्ध परिमाप मैंने कैसे निकाला? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके। ठीक है, परिमाप का आधा सूत्र बन गया एस गुणा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी हमारे त्रिभुज की साइड्स होती हैं या भुजाएं होती हैं। क्लियर? यस एक मैं एग्जाम्पल लेके मैम। कराती हूँ, एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेके कराती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपके वर्गमूल निकालने में। लास्ट में मैंने एक भुजा 6 सेंटीमीटर मान ली, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा मैंने 8 सेंटीमीटर मान ली, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जोड़ो, 6 प्लस 6 प्लस 8 बट्टे 2 कितना हो गया? 6 6 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। 20 बट्टे 2 डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10। अर्ध परिमाप आ गया 10 सेंटीमीटर। बस अब हिरन्स के सूत्र में इसको पुट कर दीजिए। क्या होता है हिरन का सूत्र? वर्ग मैम मूल 8√5 सेंटीमीटर। स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एस माइनस, वेरी गुड, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, साथ के साथ करो अगर आता है तो, नहीं तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एस की जगह सेमी परिमाप लिखो 10। 10 माइनस ए मतलब पहली भुजा जो कि 6 है, 10 माइनस बी दूसरी भुजा जो कि 6 है, 10 माइनस सी तीसरी भुजा जो कि 8 है। 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा। अब पहला तरीका तो मैं क्या कर लूं कि 30 सारे नंबर्स को गुणा करके फिर वर्गमूल निकाल लूं, बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो मैं इसको ना तोड़ना प्रेफर करती हूँ। मुझे सही लगता है कि मैं नंबर को तोड़ दूं। 10 को आप 5 गुणा 2 लिख सकते हो, 10 को आप 5 गुणा 2 ही तो लिखोगे क्योंकि 5 2 10 होता है। इतना क्लियर है सभी को?
यस मैम चार को चार, चार को चार गुणा दो। अब आपको पता है वर्गमूल में हर दो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, फिर उसका वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पे चार और चार, एक चार बाहर आ गया, दो और दो, एक दो बाहर आ गया, पांच का कोई साथी ही नहीं है, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। चार को दो से गुणा कर दो, 8√5 वर्ग सेंटीमीटर, यही मेरा उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल का। क्लियर सभी को? यस मैम। तो आपको यही करना है, नंबर्स को ना तोड़ लो, आसपास वाले नंबर देख लो और उसी की फॉर्म में तोड़ना शुरू करो, तो ज्यादा बेटर होगा। तो नोट डाउन कर लियो अगर करना है तो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है। प्रश्न कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो अर्धपरिमाप कितना होगा, अर्धपरिमाप का वैल्यू पूछा है, तो पोल सेक्शन में आंसर करो। माइक ऑन करके कोई आंसर नहीं बताएंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया जिसमें से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए बेटा लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया चैट में करिए आंसर। मैम डी, चैट सेक्शन में था, चैट में, चैट सेक्शन ऑन हो गया है। चलो साफ पता है अर्धपरिमाप का मान होता है तीनों भुजाओं का योग बटे दो, डिवाइड बाय टू। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तो होता है अर्धपरिमाप का सूत्र, वही पूछ रहा है आपसे और कुछ नहीं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज का जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है, उसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो साफ दिख रहा है क्या इसमें? आप लगा सकते हो, आप इसमें लगा सकते हो ये वाला सूत्र हिरंस का, ऊंचाई निकालने के लिए क्या हिरंस का सूत्र होता है यूज? ऊंचाई निकालने के लिए क्या हिरन का सूत्र हम यूज करते हैं? नहीं ना? तो आपको पता है कि ऊंचाई निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं? वो सूत्र लगाइए त्रिभुज का और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। तीन में से एक बच्चे का आंसर ठीक है।
वेरी गुड, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है जिसमें से 3 ही बच्चों का आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। चलो बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। चलिए वेरी गुड। देखो बेटा, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई पूछी है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा जहां पे ऊंचाई गिवन है। ठीक है, तो सूत्र में क्या होता है, एरिया बराबर हाफ गुणा बेस गुणा हाइट होता है। तो एरिया की जगह क्षेत्रफल की जगह 30 रखोगे। आधार कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई निकाल लो। 2 से 10 को गुणा करो, भाग करोगे तो 5 आएगा। 30 बराबर 5 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आ गई, 30/5। ऊंचाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, क्लियर है? 6 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मंदी यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया तो सिंबल यस मैम, दो। मैम एक बार और बताना। एक बार और बताऊं, यस मैम, एक और बार देख लो। देखो, एरिया का सूत्र होता है हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया आपको दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो एरिया के नीचे एरिया रख दिया, हाफ की जगह हाफ। आधार दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 रख दो। यस मैम, ऊंचाई क्या, 2 से 10 को काटोगे, 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10। क्या बचा है यहाँ, 5 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी, 5 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाके भाग हो जाएगा 30 से। 5 6 30 होता है, इसलिए ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यस मैम, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर तीनों भुजा आपको दे रखी है। ये तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे आपके हिरण का सूत्र लगेगा। पहली भुजा मान लो 40 सेंटीमीटर है, दूसरी 24 है और तीसरी 32 सेंटीमीटर है। निकालिए सेमी परिमाप, सॉरी अर्ध परिमाप निकालो, उसके बाद हिरन्स के फॉर्मूले पुट करो और आंसर निकालो। पोल सेक्शन में आंसर करिएगा इसका। सभी को समझ में आ गया क्या पूछा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीनों भुजाएं दी हैं और आपसे हिरन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ना, अर्ध परिमाप निकालना और हिरण्स के सूत्र में पुट कर देना।
मैम कर लिया। एक बार कर लिया, ठीक है, दो में से एक बच्चे का आंसर ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। कि बेटा लास्ट के 30 सेकेंड्स और हैं, फिर मैं करवाती हूँ इसे, 30 सेकेंड्स और। आखिरी के 10 सेकेंड्स और। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। मेन करती हूँ प्रश्न को। देखो प्रश्न में दिया गया है, ए भुजा है 40 सेंटीमीटर, बी भुजा है 24 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने अर्धपरिमाप निकाला होगा, तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2, 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2। ठीक है, जोड़िए तीनों भुजाओं को, तीनों को जोड़ेंगे 96 आएगा, 96 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 48, 48 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। इतना तो सभी का निकल गया होगा अर्ध परिमाप तक, है ना? यस मैम। आगे आपको हिगन्स का सूत्र लगाना है। वर्गमूल एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू सारी पुट कर देंगे। अर्ध परिमाप है 48, 48 माइनस पहली भुजा है 40, 48 माइनस दूसरी भुजा है 24, 48 माइनस तीसरी भुजा है 32। माइनस कर दीजिए, 48 में से 40 जाएंगे 8 आएगा, 48 में से 24 जाएंगे 24 आएगा, 48 में से 32 जाएंगे तो 16 आएगा। क्लियर? यस मैम। देखो अब yes, क्या करना है, यही हमारा सबसे मेन स्टेप है कि यहाँ आके हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं इसको 8 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 48 को आप
छह गुणा आठ लिखोगे बेटा, क्योंकि 8 6 48 होता है, 6 गुणा 8 ही तो लिखोगे, 48 को। वैसे ही इस 8 की जगह 8 लिख लो, 24 को क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 4। 6 गुणा 4। 16 को क्या लिखोगे, 4 गुणा 4। ये स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम, मैम। अब आपको जो चीज दिख रही है दो दो को पेयर में, वो देखो, 8 और 8, 2 8 में से 1 8 बाहर आ गया, 2 6 में से 1 6 बाहर आ गया, 2 4 में से 1 4 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 4, √4। तीनों के गुणा करोगे आएगा 192 √4। अब मुझे बताओ जो √4 है, 4 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है? तो मैम 2। √4 की जगह 2 लिख सकते हैं, है ना? √4 का मतलब क्या है? √2 गुणा 2, तो फिर से 2 पेयर, 2 में से 1 बाहर आ गया, तो 2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 192 को 2 से गुणा करोगे, 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 384 वर्ग सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। सभी को आया समझ? यस एक बार फिर से स्टेप देख लो, यहाँ से ये जो वर्गमूल निकालने वाला है इस जगह से, कि बाकी तो आपको आ ही गया होगा, अगर यहाँ से नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, ध्यान से देख लो एक और बार। सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, यस मैम, यस मैम, ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखो। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसमें देखिए परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप नहीं, परिमाप, पैरिमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का। आपको पहली भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात करी गई है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, मतलब पहली भुजा भी 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा इसमें नहीं दी गई, तीसरी भुजा नहीं दी गई, पर आपको परिमाप दे रखा है, तो क्या परिमाप से तीसरी भुजा निकाल सकते हो? परिमाप से तीसरी भुजा निकालनी आती है ना, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी है, यहां से तीसरी भुजा निकल जाएगी, सभी से पूछ रही हूँ, निकल जाएगी ना? यस बस मैम। यस तीसरी भुजा निकालते ही फॉर्म में पुट कर देना हिरंस की, और आंसर निकालिए कि क्या आएगा क्षेत्रफल। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? दोबारा एक्सप्लेन करो अगर नहीं हुआ तो, अगर क्लियर है तो करिए सॉल्व, नहीं क्लियर है तो पूछिए। देखो, मैम फिर से बताना। आपको परिमाप दिया गया है ना, 30 सेंटीमीटर है परिमाप, आपको दो भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तीसरी भुजा नहीं दे रखी, तो तीसरी भुजा ना परिमाप में पुट कर दो, ऐसे दोनों भुजा का मान, यहाँ से तीसरी भुजा निकाल लो। निकाल लोगे तीसरी भुजा निकाल के, फिर आप अर्ध परिमाप निकालोगे, फिर हिरण्य के सूत्र में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का। क्लियर है? यस मैम। करिए,
वेरी गुड, तीन में से दो बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। जी सर, मैम आप टाइम बहुत ज्यादा देते हो। बेटा बाकी बच्चों को अभी तो देखना है ना, क्योंकि हर बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड सेम नहीं हो सकती। और तो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगी तो फिर पका पकाया आम मिल जाएगा ना आपको। ठीक है, अभी भी क्लास में 19 बच्चे हैं और 8 बच्चों ने आंसर किया। आप खुद ही सोचे कैलकुलेशन स्पीड कितनी हो, हर बच्चा सेम नहीं हो सकता ना कैलकुलेशन करने में। चलो, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। लास्ट के 30 सेकेंड्स और हैं, 30 सेकेंड्स और फिर मैं करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। चलो बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो, देखते हैं इस वाले प्रश्न को। देखो, आपको परिमाप का सूत्र पता है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। पहली भुजा है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी 12, तीसरी आपको निकालनी है। 12 और 12 को जोड़ोगे तो 24 आएगा, प्लस तीसरी भुजा। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, उस तरफ जाके घट जाएगा, 30 माइनस 24, तीसरी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। सभी की 6 सेंटीमीटर आई, सभी बच्चों की 6 सेंटीमीटर आ गई ना। अब आपको पता है जो सेमी परिमाप, सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप, वो परिमाप का आधा होता है। तो क्या यहाँ पे जरूरत है कि मैं तीनों भुजाओं को जोड़ के फिर 2 से भाग करूं, या फिर दिए गए परिमाप का आधा कर लें? तो मैं डायरेक्ट दिए गए परिमाप को आधा कर लूंगी, तब भी तो मेरा अर्ध परिमाप आ जाएगा। समझ में आया मैंने डायरेक्ट क्यों यस किया? मैम यस, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। गुड, जहां पे परिमाप दे रखा हो। बस अगला स्टेप आपको पता ही है, हिरण के सूत्र में पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए, 15, 15 माइनस 12,
पंद्रह माइनस बारह गुणा पंद्रह माइनस छह जो तीसरी भुजाई करिए, पंद्रह में से बारह जाएंगे तीन बचेगा, पंद्रह में से बारह जाएंगे तीन बचेगा, पंद्रह में से छह जाएंगे कितना बचेगा, नौ बचेगा। अगले स्टेप आपको पढ़ा पता ही है कि हमें तोड़ देना है नंबर्स को। पंद्रह को आप तीन गुणा पांच लिखोगे, तीन और तीन ऐसे ही उतार लो, नौ को भी आप तीन गुणा तीन लिखोगे। ये स्टेप क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। बस आप यस मैम। एक दो, दो तीन में से एक तीन बाहर, एक दो, दो तीन में से एक तीन बाहर, अंदर क्या बच गया, पांच और तीन, क्योंकि इसके साथ ही नहीं है तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। तीन को तीन से गुणा किया नौ आया, पांच को तीन से किया पंद्रह आया, और यही मेरा उत्तर हो गया, नौ वर्गमूल पंद्रह सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे तीसरी भुजा ना दी गई हो, कोई भी दो भुजा दी हो, परिमाप दिया हो, तो यही आपका प्रोसीजर होता है करने का। चलिए इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का आखिरी प्रश्न है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पीछे स्क्रीन दिखानी फिर से? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन ओके मैम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे क्या बोला गया है, फिर से आपको परिमाप दिया गया है त्रिभुज का, लेकिन इस बार आपको जो तीनों भुजाएं हैं वो किसमें दे रखी है, अनुपात में दी गई है, ठीक है, अनुपात में दी गई है। तो देखिए जरा, 12 अनुपात 17 अनुपात 25, मतलब ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। हमें यहाँ प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है एबीसी तीनों की, सिर्फ अनुपात में दिए गए हैं। तो यहाँ से आप क्या मान लो कि पहली भुजा 12x है, दूसरी भुजा 17x है, तीसरी भुजा 25x है। मान लो कि सभी ऐसी तो करते हैं जब भी कोई भी वैल्यू हमें अनुपात में दी गई होती है ना? यस मैम। वो परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से मुझे भुजा भी नहीं पता, तो परिमाप के सूत्र में पुट करके यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लोगे। जो एक्स का मान आएगा उसके बाद 12 गुणा एक्स करोगे तो आपकी पहली भुजा आएगी, 12 गुणा फिर से जो एक्स आएगा, 17 गुणा एक्स जो आएगा उससे दूसरी भुजा आएगी, ऐसे ही तीसरी भुजा। तो एक्स का मान निकालना जरूरी था कि मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यूज पता चले, वो पता चले कि एक्स से गुणा करके। फिर आप अर्ध परिमाप निकालोगे, फिर आप क्षेत्रफल के सूत्र में पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सबसे अलग क्वेश्चन है वैसे तो ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का मान निकल के फिर तीनों जो आपको अनुपात दे रखे हैं उससे गुणा भी होगा। समझ में आया? समझ में आ गया तो एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ट्राई करिए सभी ने। तीन मिनट का समय है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, करिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा। एनसीईआरटी में से आंसर देख के तो नहीं टिक लगा रहे हो डायरेक्ट यहाँ पे?
ये हमारी बेबी है। वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ गए और 5 बच्चों के आंसर करेक्ट है एकदम। लास्ट के 30 सेकेंड्स और हैं। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम सी चैट सेक्शन में बेटा परिमाप का सूत्र, तीनों भुजाओं का योग 540 दिया है परिमाप। पहली भुजा है 12x, दूसरी भुजा है 17x, तीसरी भुजा है 25x। तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 54x। x बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ जाके भाग हो जाएगा 540 दस। बटे 54। यस, x आ जाएगा 10। ये तो x का मान आया। अब हम भुजा निकालेंगे। a है 12x, मतलब 12 गुणा 10। पहली भुजा आ गई 120 120 सेंटीमीटर। गुड, वैसे ही दूसरी भुजा है 17x, 17 एक सौ गुणा सत्तर वेरी गुड 170 सेंटीमीटर। वैसे ही और दो सौ तीसरी भुजा पचास है, यस 25 गुणा 10 हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। सभी का यही आया है, तीनों भुजाओं यहाँ तक तो सभी का ही आ गया होगा। यस मैम यस मैम गुड। बस अगला स्टेप आपको पता है, अर्ध परिमाप डायरेक्ट निकाल लो क्योंकि परिमाप दिया है। तो 540 को 2 से भाग करोगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा, कितना आएगा 270, 270 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस मैम यस मैम यस मैम। चलिए अगले पेज पे इसका क्षेत्रफल निकालते बेटा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो, डिस्टरबेंस हो रही है। किसका भी माइक ऑन है? मुस्कान मेलीवाल के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ रखिए अपना। चलो एस माइनस एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। एस है 270, 270 पहली भुजा है 120, 270 माइनस 150 दूसरी भुजा, सॉरी 170 है, 270 माइनस तीसरी भुजा है 250। दो सौ सत्तर को क्या लिखोगे आप, पहले चलो माइनस कर लो। 270 में से 120 जाएंगे कितना आएगा बेटा 150, 270 में से 170 जाएंगे आएगा 100, 270 में से 250 जाएंगे 20। यहां तक सभी को क्लियर? यस मैम यस मैम। अगला स्टेप सभी को पता है कि हमें इसे तोड़ना है। अब 270 को आप 27 गुणा 10 लिखोगे जैसे पहले लिखा था, 27 गुणा 10 270 ही होता है। 150 को 15 गुणा 10 लिख सकते हो। यस मैम। 100 को क्या लिखोगे, 10 गुणा 10। 20 को लिख दो 10 गुणा 2। इतना क्लियर सभी को?
यस मैम यस मैम बताइए, यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए, नहीं क्लियर है तो भी बताती हूँ। एक बच्चे की वीडियो भी ऑन है, वीडियो ऑफ करो सागर के नाम से जो है। यस चलिए अगला स्टेप, अब जो चीजें मुझे दिख रही है वो आप बाहर ले लेते हैं। एक दस और दो दस, तो एक दस बाहर आ गया, एक दस और दूसरा दस, एक और दस बाहर आ गया, अंदर लिख लो जो चीजें बच गई है। 27 × 15 × 10 × 2 क्लियर है। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या करती हूँ, 10 को 10 से गुणा कर दिया 100 बन गया। 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 3, 27 का मतलब 3 × 3 × 3 ही तो होगा, 27 मतलब होता है 3 × 9, 9 का मतलब 3 × 3, तो डायरेक्ट मैंने 3 × 3 × 3 लिख लिया। इतना क्लियर है 27 वाला? यस मैम यस मैम यस मैम। 15 को लिख लो 3 × 5 5, 10 को लिख लो 2 × 5 5, बस अगला स्टेप जो चीज बच रही है उसको निकाल लो बाहर। 1 और 2, 1 3 बार आ गया, 1 और 2, 1 और 3 बार आ गया, 1 5 2 5, 1 और 5 बार आ गया, 1 2 और 2 2, 1 2 बार आ गया। अब अंदर कुछ बचा वर्गमूल में? सब नंबर्स बाहर आ गए, कुछ नहीं बचा। गुणा कर दो, 10 × 3 = 300, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 30, 30 × 300 आ जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस यही इसका आंसर है। सभी को समझ में आ गया? एक बार बेटा ये स्टेप देख लो जहां पे मैंने इस नंबर को तोड़े हैं जल्दी से, और पूछिए अगर नहीं समझ में आया तो। सभी बच्चे देखिए और पूछिए। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? यस मैम। नो मैम। नो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। स्क्रीन पीछे कर रही हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? डाउट नहीं है तो वेरी गुड। ठीक है ठीक, ये नेक्स्ट स्क्रीन। बेटा पिछली क्लास का ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक चीज रह गया था मेरा, कि अगर कोई भी समीकरण आपको y बराबर mx की फॉर्म में दिया गया है तो इसका आलेख कैसा बनता है। किसको पता है अगर कोई भी समीकरण y बराबर mx की फॉर्म में है तो आलेख कैसा बनेगा, पता है किसी को? तो आंसर दीजिए, कहां से होके जाता है ये तो सभी को पता है कि सरल रेखा बनेगी, क्योंकि दो चर वाले समीकरण का रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इतना सभी को पता है ना? यस मैम। तो इसका क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, बट कहाँ से होके गुजरेगा ये मुझे बताना है आप लोगों ने। तो देखो कैसे होगा, मैं इसमें ना एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एम यहाँ जीरो की जगह, जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, मान लो एम की जगह मैंने 2 ले लिया, वाई बराबर 2x का ग्राफ, ये इसी फॉर्म में होगा। ग्राफ कैसे बनेगा? वैल्यूज निकाल लीजिए वही बॉक्स में एक्स और वाई की, एक बार एक्स की जगह जीरो रखो, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई कितना आएगा, वाई भी जीरो आ जाएगा, 2 × 0 = 0 होता है। अब वाई की जगह जीरो रख लो इसी समीकरण में, वाई की जगह जीरो, 0 = 2x, एक्स कितना आ जाएगा 0/2, ये भी जीरो आया, मतलब x की जगह जीरो रखने पे तब भी y जीरो आ रहा है,
वाई के जगह जीरो रखने पे एक्स भी जीरो आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि कहाँ से गुजराएगा ये 0,0, मुझे प्लॉट करना है अपने आलेख पे, अपने ग्राफ में 0,0 प्लॉट करना है। तो करिए जरा प्लॉट, देखते हैं कहाँ से गुजरेगा ये। अच्छा, अगर आपको देख के पता चल रहा होगा तो साफ दिख रहा है कि कहाँ से गुजरेगा, कोई बच्चा बता? मैम मूल बिंदु से। वेरी गुड, मूल बिंदु से ही जाएगा। ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। 0,0 यहाँ होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन। तो जब भी हमारा वाई इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में कोई भी ग्राफ होगा, कोई भी इक्वेशन होगी, समीकरण होगा, वो हमेशा मूल बिंदु से होके गुजरेगा। ये सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स का है, कोई भी हो सी फॉर्म। तो अगर आपका प्रश्न आता है तो कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण वाई इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में है, तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा होगी जो कि मूल बिंदु से होके गुजरेगी। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यही चीज जो थी मुझे समझानी थी, बाकी आज का जो टॉपिक है उसमें यही 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो हर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के ही आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है? सभी उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मैम अगर कौन सा चैप्टर करवाओगी? नेक्स्ट क्लास में आपका होगा ये चैप्टर नंबर 13 होगा, क्रस्टी क्षेत्रफल वाला, ठीक है? अच्छा अच्छा, होमवर्क मिला आपको, दो चर वाले समीकरण का प्लायो लिंक मिला है ग्रुप में, दो चर वाले समीकरण का प्लायो का लिंक मिला था आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं मिला तो मैंने आपको, नहीं मिला तो मैंने चैट सेक्शन में भेज दिए, इसे कॉपी कर, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको सॉल्व करना सभी बच्चे, चैट सेक्शन में दिया है, देख लो, दो चर वाले समीकरण वाले चैप्टर का है ये प्लायो।